बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास थ्री? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आवर वर्क इज़ SST। नाउ ओपन योर SST बुक। पेज नंबर है आपका 2। यूनिट नंबर 1, द अर्थ इन स्पेस। हम लोग द अर्थ इन स्पेस की, द अर्थ से लेके साइड ऑफ द अर्थ, यहाँ तक हम लोग रीडिंग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है लैंड एंड वाटर। द सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके हम लोगों ने 11,022 मीटर डीप, यहाँ तक हम लोगों ने रीडिंग कर दी है। ठीक है, आपको पता है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हम जो हैं वो बुक पे राइट करते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और वर्ड डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी से देख सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं, जो भी आपके पास व्यू ऑफ सोर्स है आप वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, लैंड एंड वाटर, पानी और ज़मीन। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, सी एंड ओशन मेक अप ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी ज़मीन के आधी से ज़्यादा सतह पर पानी है और बाकी जो है उस पर खुश्की है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 70% हमारी ज़मीन पर पानी है और 30% हिस्से पर क्या है, खुश्की है। ठीक है, द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड द कोस्ट एंड इट इज़ यूजली वेरी लो। इट इज़ एट द सेम लेवल एज द सी, सो वी से इट इज़ एट सी लेवल। ज़मीन का जो हिस्सा समुंदर के पास है उसे कोस्ट कहते हैं, और जो समुंदर के बहुत नज़दीक तरीन है यानी कि एक ही लेवल पर है उसे हम सीज कहते हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन, कुछ जगहों पर बहुत बुलंद पहाड़ हैं। दे कैन रीच अ हाइट और एटीट्यूड ऑफ 8,000 मीटर अबव सी लेवल। जो हमारी ज़मीन से यानी कि सी लेवल से 8,000 मीटर ऊंचे हैं। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इट इज़ 8,848 मीटर हाई। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ जो है वो नेपाल में है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर हाई है। ठीक है, K2 8,611 मीटर हाई, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ जो है वो K2 है। लार्ज एरिया ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशन, स्मॉलर एरिया आर कॉल्ड सी। सी वाटर इज सॉल्टी, समुंदर के जिस हिस्से पर ज़्यादा पानी होता है उसे हम ओशन कहते हैं, और जिस हिस्से पर कम पानी है उसे सीज कहते हैं। सीज और ओशन जो है वो सेम एक ही बात होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वो ओशन होता है, और जहाँ पे पानी कम होता है वो सीज होता है। सी वाटर इज़ सॉल्टी, समुंदर का पानी नमकीन होता है। सम पार्ट ऑफ द ओशन इज़ वेरी डीप, और समुंदर का कुछ हिस्सा जो होता है वो बहुत गहरा होता है। देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन एंड सी, द वाटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट, दीज मूवमेंट आर कॉल्ड करंट्स। पानी जो है वो हमेशा मूव करता रहता है, लहरों की फॉर्म में मूव करता है, उसे हम करंट कहते हैं। पानी की मूवमेंट को हम करंट कहते हैं। व्हेन देयर इज स्टॉर्म एट द सी, द विंड कॉजेज हाई एंड रफ वेव्स, यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर, इट इज़ डेंजरस। जब समुंदर में तूफान आया तो हमें समुंदर के किनारे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समुंदर के किनारे जाने से हमारी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि समुंदर की वेव्स होती हैं, लहरें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, और वो हमें अपने साथ बहा कर ले जा सकती हैं। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज़ द मारियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। इट इज़ 11,022 मीटर डीप। पैसिफिक ओशन में एक मारियाना ट्रेंच है जो कि 11,022 मीटर गहरा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वोकेबलरी वर्ड्स बताऊंगी, आप लोगों ने वो वोकेबलरी वर्ड्स जो हैं अपनी बुक पे राइट करने हैं। डेट, ट्रांसफर, डे, यूनिट नंबर 1, द अर्थ इन स्पेस, सरफेस, सतह, कॉस्ट, समुंदर का किनारा, एल्टीट्यूड ऊंचाई या बुलंदी, डीप गहरा, करंट्स पानी का बहाव, स्ट्रॉम तूफान, ओशन समुंदर यूजली आमतौर पर, हाईएस्ट सबसे ऊंचा, वेव लहरें रफ वेव्स, नाहमवार लहरें डेंजरस खतरनाक। ठीक है, नाउ ओपन योर SST नोटबुक्स। डेट, क्लास वर्क, डे, यूनिट नंबर 1, द अर्थ इन
स्पेस शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेयर डू वी फ्रेश वाटर हम ताज़ा पानी कहाँ से हासिल करते हैं वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर हम ताज़ा पानी दरियाओं और झीलों से हासिल करते हैं मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ फ्रॉम वेयर डू वी फ्रेश वाटर हम ताज़ा पानी कहाँ से हासिल करते हैं वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर हम ताज़ा पानी दरियाओं और झीलों से हासिल करते हैं क्वेश्चन नंबर टू है डज द वाटर इन द सी रिमेन स्टिल क्या पानी जो है समुंदर में खड़ा रहता है रुका रहता है ठीक है नो इट इज़ ऑलवेज मूविंग पानी जो है वो बहता रहता है मूवमेंट में रहता है चलता रहता है ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ नो इट इज़ ऑलवेज मूविंग पानी जो है वो हमेशा हरकत में रहता है मूवमेंट में रहता है बहता रहता है रुकता नहीं है अब मैं आप लोगों को होमवर्क बता रही हूँ पेज नंबर 6 का पार्ट सी आप लोगों ने होमवर्क करना है एंड पेज नंबर 7 पे पार्ट डी ये आप लोगों का होमवर्क है ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ पेज नंबर 6 पे पार्ट सी एंड पेज नंबर 7 पे पार्ट डी आप लोगों ने होमवर्क में करना है आप लोगों ने ये होमवर्क और वोकैबुलरी वर्ड्स अपनी बुक पे राइट करने हैं और क्वेश्चन आंसर जो हैं आप लोगों ने अपनी एसएसटी की नोटबुक्स पे राइट करने हैं ठीक है आगे बढ़ते जाओ पढ़ना है रुकना नहीं शुक्रिया